हेलो फ्रेंड्स, पढ़ाई पैशन में आपका स्वागत है। हम इस वीडियो सीरीज़ में यूपीएससी के द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस को कवर करेंगे, पीवाईक्यू सीरीज़। राइट, तो इस सीरीज़ में हम 1995 से लेके अभी तक यूपीएससी के द्वारा जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को यहाँ पर कवर करेंगे। बेस्ट वे टू सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज़ टू सॉल्व दैम सब्जेक्ट वाइज। इसलिए हम यहाँ मिडाइवल हिस्ट्री सब्जेक्ट से पूछे गए सभी क्वेश्चंस को इस सीरीज में कवर करेंगे। सो लेट्स बिगिन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। दिस इज एन असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन। असर्शन, व्हाट इज द असर्शन? मोहम्मद बिन तुगलक इशूड ए न्यू गोल्ड कॉइन विच वॉज कॉल्ड दिनार बाय इबन बतूता। तो ये बात सही है, उसने गोल्ड कॉइन इशू करे थे जिसको इबन बतूता ने क्या बोला? दिनार। अब देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक पे बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। अब रीज़न क्या दिया है? मोहम्मद बिन तुगलक वांटेड टू इशू टोकन करेंसी इन गोल्ड कॉइन टू प्रमोट ट्रेड विद वेस्ट एशियन एंड नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज। मोहम्मद बिन तुगलक ने टोकन करेंसी इशू करी थी, बट नॉट इन गोल्ड बट इन ब्रॉन्ज। ठीक है, तो यहाँ पे गोल्ड कॉइन दिया है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, A is true but R is false. Now the next question, question number 72. Which one of the following is the correct chronological order of the Afghan ruler to the throne of Delhi? तो देखिए, ये हमने उसमें पढ़ा था कि जो लोधी डायनेस्टी थी वो कौन थे? अफगान रूलर थे, राइट? तो सबसे पहले कौन आया था? सबसे पहले आया था, स्टैब्लिश किया था लोधी डायनेस्टी को, बहलोल लोधी ने। ठीक है, उसके बाद सिकंदर लोधी आता है और उसके बाद इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में हार जाता है और उसके बाद बाबर आ जाता है दिल्ली के थ्रोन पे और मुगल किंगडम स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। भक्त तुकाराम वॉज ए कंटेम्प्ररी ऑफ विच मुगल एम्परर? अब भक्त तुकाराम कौन था? ही वॉज ए मराठी भक्ति पोएट। ठीक है, एंड ही वॉज डेडिकेटेड टू लॉर्ड कृष्णा, एंड उसका टाइम पीरियड क्या था तुकाराम का? 1608 टू 1650। तो इस टाइम पे कौन सा किंग था? बाबर तो नहीं था, अकबर नहीं था, ये टाइम पीरियड किसका है? जहांगीर का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जहांगीर, क्योंकि जहांगीर वाज ए किंग फ्रॉम 1605 टू 1627, राइट? तो इसी के टाइम पीरियड में, सो दिस इज द बेस्ट आंसर फॉर दिस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। इन इंडियन हिस्ट्री हु वॉज द अब्दुल हमीद लाहौरी? अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था? ठीक है, सो अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था? ही वॉज ए ट्रेवलर एंड हिस्टोरियन, ट्रेवलर एंड हिस्टोरियन। ही ज्वाइन शाहजहां कोर्ट एंड बिकम ए कोर्ट हिस्टोरियन, राइट? सो लाहौरी मतलब लाहौर से था, ठीक है, इसलिए लाहौरी लगाते हैं, अब्दुल हमीद लाहौरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा एन ऑफिशियल हिस्टोरियन ऑफ द रेन ऑफ शाहजहां। इसने एक बुक लिखी थी, वो काफ़ी फेमस है, उसका नाम था बादशाह नामा, राइट? बादशाह नामा, इसमें इसने शाहजहां के टाइम पीरियड को बताया है, ठीक है, उसके शासनकाल की इंफॉर्मेशन इसने इसमें दी है, बादशाह नामा। Now the next question, question number 75. Where is the famous Vijay Vittal temple having its 56 carved pillar emitting musical notes located? अब देखिए, विजय विट्ठल टेम्पल के बारे में ये क्वेश्चन है। अब विट्ठल क्या है? विट्ठल भगवान है, ठीक है, गॉड को बोलते हैं विट्ठल। ये किसके अवतार है? ये गॉड विष्णु के अवतार है, ठीक है। अब ये टेम्पल कहाँ पे स्थित है ये पूछा है। ये टेम्पल
स्थित है हम्पी में। इस टेंपल को बनवाया था विजयनगर एम्पायर का जो किंग था, कौन? देवराय। कौन से ईयर में? 1422 में, ठीक है। लेकिन इसको, इस टेंपल को एक्सपांड किया था और रिनोवेट कराया गया था कृष्ण देव राय से। कृष्ण देव राय भी विजयनगर एम्पायर का ही किंग है, राइट। अब ये टेंपल क्यों फेमस है? क्योंकि इसमें 56 पिलर्स हैं जिनको हाथ से थपथपाने पे म्यूजिकल साउंड सुनाई देती है, ठीक है, इसलिए ये फेमस है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच मुगल एम्परर डिड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया? तो ये क्वेश्चन हमने पहले भी कई बार किया है, तो इसका आंसर सबको पता है। तो जहांगीर के टाइम में फर्स्ट फैक्ट्री एस्टैब्लिश की गई थी, और सर थॉमस रॉय जो थे उन्होंने परमिशन ली थी, तो सूरत में फैक्ट्री एस्टैब्लिश हुई थी 1613 में, राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर इज द फेमस विरूपक्ष टेम्पल लोकेटेड? अब ये विरूपक्ष टेम्पल, जैसे अभी ऊपर भी बात करी थी, विरूपक्ष टेम्पल इज ऑल्सो लोकेटेड इन हम्पी। हम्पी किसकी कैपिटल थी? विजयनगर की। विजयनगर जो एम्पायर था उसकी कैपिटल थी। एंड ये कौन से एरिया में आता है? कर्नाटक, ठीक है। तो विरूपक्ष टेम्पल इज लोकेटेड इज हम्पी। एंड ये किसने बनाया था? इसको बनाया था देवराय सेकंड ने। देवराय सेकंड ने इसको बनाया था, राइट। एंड ये कौन से गॉड का टेम्पल है ये? विरूपक्ष जो बोलते हैं ये, इट्स ए फॉर्म ऑफ शिवा, जो भगवान शिव हैं उनके फॉर्म है विरूपक्ष, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें लिस्ट वन एंड लिस्ट टू दे रखी है। लिस्ट वन में फेमस टेम्पल है, लिस्ट टू पे उनकी लोकेशन है, मतलब कौन से स्टेट में वो लोकेटेड है। अब देखिए, पहला है विद्याशंकरा टेम्पल। विद्याशंकरा टेम्पल इज लोकेटेड इन कर्नाटका श्रृंगेरी, श्रृंगेरी करके जो जगह है एक वहां पे है, ठीक है। अब राजरानी टेम्पल, राजरानी टेम्पल इज इन भुवनेश्वर उड़ीसा। अब ये राजरानी बिकॉज ये रेड एंड गोल्ड स्टोन से बना है, ठीक है, और लोकल लैंग्वेज में इस स्टोन को राजरानी बोलते हैं, इसलिए इस टेम्पल का नाम राजरानी टेम्पल है, राइट। तो कहाँ है? भुवनेश्वर में। कंदरिया महादेव टेम्पल, ये बहुत फेमस टेम्पल है, इस पे क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। ये खुजराहो में है, खुजराहो इज इन मध्य प्रदेश। अब भीमसरा टेम्पल, ये कहाँ पे है? दिस इज लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये चालुक्य किंग थे, उन्होंने बनवाया था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। विद हुज परमिशन डिड द इंग्लिश सेट अप देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन सूरत? देखिए, क्वेश्चन सेम ऊपर दो बार आ चुका है पहले ही, कि इंग्लिश ने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ पे एस्टेब्लिश की थी। तो ये देखिए, सूरत में की थी। किसकी परमिशन से करी थी? उस समय कौन मुगल किंग था? उस समय जहांगीर था, ठीक है। इन विच ईयर? 1613। और थॉमस रो करके जो रिप्रेजेंटेटिव था किंग का, उसको परमिशन दी गई थी, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। अमंग द फॉलोइंग हु वाज नॉट ए प्रोपोनेंट ऑफ भक्ति कल्ट? इनमें से कौन सा, इसमें से हमें बताना है कौन सा सेंट है जो भक्ति कल्ट का नहीं है। अब देखिए, तुकाराम है, त्यागराज है, वल्लभाचार्य हैं, ये सब भक्ति मूवमेंट के हैं। भक्ति मूवमेंट के, और जो हमने डिस्कस करे थे, जैसे चैतन्य महाप्रभु, रामदास, कबीर, मीराबाई, ये सब भक्ति कल्ट के हैं। बट जो नागार्जुन है, नागार्जुन भक्ति कल्ट का नहीं है, ये उससे काफी पहले के हैं। और ये एक बुद्धिस्ट फिलोसफर हैं, ठीक है। एंड ही इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज ए फाउंडर ऑफ मध्यामिका
मध्यामिका जो कंसेप्ट है, फिलॉसफी है, उसके फाउंडर माने जाते हैं। तो जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने भी मध्यम मार्ग की बात करी थी, ठीक है, मिडिल वे। तो ये मध्यामिका करके जो फिलॉसफी है उसके फाउंडर माने जाते हैं नागार्जुना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप हमसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कुछ कमेंट करना चाहते हैं या हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बता सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं तथा सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।